ऑन टू का मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स किसी किसी के साथ रिलेटेड होने चाहिए, और इन टू का मतलब है कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो ना रिलेटेड हो। ऑन टू इन टू एक साथ में या तो फंक्शन ऑन टू होगा या ऑन टू नहीं होगा, बस ऑन टू ना होने को हम इन टू कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना डोमेन और को डोमेन को बड़ी अहमियत देते हैं, और जो को डोमेन होता है ना वो रेंज, उसके दरमियान रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नुकता यह है कि डोंट थ्रो टर्म लॉजिक टुगेदर ना, व्हेन यू विल बिगिन विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ना, जब आप ये समझाएंगे ना कि जी यू नो एक्स लाइक्स यू नो गेम वाई, ठीक है, फिर आप कहेंगे जी अच्छा एक तरफ हम सारे बंदे रख लेते हैं और दूसरी तरफ हम सारी गेंद रख लेते हैं, और फिर यू नो हम एरोज लगाते हैं कि किसको कौन सी चीज पसंद है, तो ये जो बंदों का सेट है ये आपकी डोमेन है। यू नो यू यू इंट्रोड्यूस एंड देन गिव इट अ नेम। अगर आप रिलेशनशिप ए क्रॉस बी का है, वो एक रिलेशन है और उसके सारे सबसेट्स रिलेशन होते हैं, और ए को हम डोमेन कहते हैं, बी को को डोमेन कहते हैं, लाइक दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट वे टू प्रेजेंट। आई मीन इफ यू से लाइक दैट, बच्चे फिर वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कोडोमेन कौन सी है और रेंज कौन सी है और डोमेन कौन सी है। बट एक दफा जब समझ आ गए ठीक है, जिनको जिनसे रिलेट करना है वो जिनको वाले जो चीजें हैं जिनको आपने रिलेट करना है वो आपकी डोमेन, और जिनसे रिलेट करना है वो कोडोमेन, आप फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो। If and then introduce the complicated. Okay, so you have these types of functions. The last thing that I would like to discuss quickly is, and then you have the relationship likha ho, ठीक है, make sure के बच्चे जो है वो दो किस्म की दो तरह से कम functions को जरूर समझे। अगर उनको इस तरह से एक चीज given हो they should be able to recognize कि ये function है कि नहीं, और देखें ना इस तरह से into onto और you know function ये समझना आसान है, ठीक है, but you know the real challenge is going to be if you give them like that, ठीक है, and then you can either say them okay कि आप इन अगर मैं आपको इस किस्म का एक relationship देता हूँ, ठीक है, और आप ये मालूम कीजिए कि ये function है या नहीं, या one one है या नहीं, onto है या नहीं, into है या नहीं, बायलेक्शन है या नहीं, ठीक है, मगर आप दो तरीकों से मालूम कीजिए, एक यदि अच्छा ये रिलेशनशिप उठाइए और उसकी पिक्चर बनाइए और फिर देखिए क्या बन रहा है, और दूसरा ये है कि जब वो जो जैसे कहते हैं एक्सपर्ट लेवल पर्सन, वो ये कि एक ये पिक्चर मत बनाइए, बगैर पिक्चर के बनाए हुए आप इसको चेक करके देखें अगर इसमें वो प्रॉपर्टीज हैं। आई मीन इफ दे कैन डू इट सो दे आर सक्सेसफुल। ये ज्यादा आसान है सर फंक्शन अगर और इन्हीं रिलेशंस को अलग कर दीजिए, यानी जैसे आप कह रहे हैं कि वन बी से और बी वन से और जो है वो ए टू से रिलेटेड है, सी थ्री से रिलेटेड है, you do this, you invert it actually, okay, and see whether it's a function or not. So, agar main isko idhar rakhu aur isko idhar rakhu aur yehi relationship rakhu, so obviously it's not going to be a function in this case actually, because these are used. So, you know, you can say that. Constant function के इन्वर्स में चल रही है। अगर जैसे बोल रहा हूँ मैं constant function है। वो function होगा ही ना। नहीं होगा क्योंकि सारे जो है वो एक एलिमेंट है, हर माल 10 रुपए। हर माल 10 रुपए।
if you rewire it, that's जो है वो सबसे related है, so it's not a function. Okay? इधर लेंगे जैसे अभी constant function बन रहा है सर, अगर हम domain है आप रहेंगे, तो अभी constant function बन रहा है, पर जब आपकी तरफ से आएगा तो आप किस किस के पास जाओगे function की? So कोशिश करें, ठीक है, intuition देते हुए भी आपकी description में precision generally हम जो है वो ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत अगर उनको हमने real world चीजों के नाम ले लिए तो we are making them understand that thing. ठीक है, आपके examples उनको समझना समझाना, they should force them to see the definition actually and check the definition whether it's true. Intuition जरूर है, but give them a correct intuition. ठीक है, okay. When you have a bijection basically, for example, that's not a bijection unless I remove it here. ठीक है, if I remove it, so it's going to be a bijection. ठीक है, then this is called one-one correspondence. Bijections much easier अगर अगर आप उसको उनकी domain और range को अगर आप थोड़ा भी कर दें, reverse भी कर दें, तो still going to be a function. Still going to be a function. ठीक है, reverse अगर है तो शामिल करें, मैं नहीं कहता reverse यहाँ ऐसा हो सकता है. उसका inverse bijection. जी. Inverse bijection. Bijection ही होगा. Inverse bijection. ठीक है. Anyway, आगे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जब हम हो जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि यू नो आपके पास लर्निंग नहीं है कि यू नो आपके पास हमेशा जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो तभी आप इन्वर्स कर सकते हैं. यू कैन रिलैक्स दिस कंडीशन. बाइजेक्शन अगर एक फंक्शन पूरी डोमेन पर ना हो सर, वन वन काफी होता है ना, वन वन काफी होता है. देन यू कैन हैव अ बाइट basically then you have a bijection from range into not from goal code domain but from range into the domain. Anyway, so one one correspondence se hamesha kya matlab hota hai? One one correspondence ka matlab hota hai when you have a bijection sir. One one corresponding or one to one mein kya fark hai? Koi fark hai ya same cheez hai? Ek hi cheez hai. वन वन अगर सिर्फ वन वन कहते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वन टू वन करस्पॉन्डेंस कह लें या वन वन करस्पॉन्डेंस कह लें, ठीक है, या बाइजेक्शन कह लें, एक ही चीज के तीन नाम. सर, इसमें वन वन करस्पॉन्डेंस एंड वन वन फंक्शन में डिफरेंस? जी जी, हां, वन वन करस्पॉन्डेंस एंड बाइजेक्शन को कहते हैं. वन वन करस्पॉन्डेंस से मेरा यह है कि नहीं देखें अगर मैं गेम्स और games or you know for example people की मिसाल दो तो one one correspondence का मतलब ये है कि ये हर बंदा एक game पसंद करता है, ठीक है, और हर game कोई ना कोई पसंद करता है, तो it's like a two way relationship है, so that's one one correspondence. ठीक है, यदि you know हर बंदा किसी ना किसी game के साथ related है और हर game जो है वो किसी ना किसी की पसंदीदा है, that's one one correspondence. It's a two way relationship. For example, that's a this is also one-one somehow correspondence. ठीक है, but like अगर अगर ये one-one correspondence हो, then you can put two-way arrows आगे. ठीक, अगर ये bijection है, then you can put two-way arrows के लिए. ठीक है, one is related with B and B is related with. तो सर one-to-one function में भी तो यही होता है ना? जी बेटा. One-to-one function में. One-to-one. Function में. One-to-one bijection or one-one correspondence, I'm saying that. These are same thing actually. One one is different when you are saying. One one की terminology मुझे पसंद है. I always use injective function sir. Injective function. जी जी. Injective function is a good terminology. पर सर injective तो one one into को कहते हैं ना? या खाली one one को injective? सिर्फ one one को injective. तो one one into कोई particular नाम है? One one into क्या? One one or into function. One one into function. Subjective. One one. यानी ऐसा function जो सिर्फ one one हो. ठीक है, you know on to now, that's what your one one into function.
So roughly, one-one function जब आप कहेंगे इसका मतलब inductivity है, inductor जब आप कहेंगे इसका मतलब one-one है, one-to-one correspondence या one-one correspondence या bijection ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है? Now I'm quickly ending this, ठीक है? I can tell you something interesting. Things ठीक है बाद मारे की चीज़ें हम discuss कर सकते हैं. देखें, I always give this example. फर्ज करें कि हम उस दौर में रहने वाले होते कि जिस दौर में roll numbers and roll marks आप सब करते हो, तो वो mathematics है, mathematics हो, ठीक है? और जो है, for example, मैं एक जो है वो शाफर्ड हो, शाफर्ड सुनते हैं, गदरिया, सिंधी में कहेंगे रेडार, ठीक है? और जो होगा है हम इंसान भी होगा, मैथ में पढ़ना, ठीक है? Anyway, ठीक है, ये शाफर्ड है आपके पास, शाफर्ड है, शाफर्ड, ये तो कैसे शाफर्ड ये तो काम करता होगा अपने फॉक ऑफ शीप्स का, या शीप शुड बी डूइंग दैट, कैसे रखता होगा, कैसे, क्या तरीके होंगे उनके, तो मेक श्योर कि जब मैं सुबह जा रहा हूँ और जब मैं शाम वापस आ रहा हूँ उनको जो है तेरा गा से घुमा करा के तो उतने ही हैं जितने गए थे यार. What could be that? अरे किमान लोग सकते हैं जितने बदन लोग होते हैं ना बदन वाले टेक्नोलॉजी थी वही ना संबंध लगाने में लगता है उनके पास अरे क्या संबंध लगाने में अरे क्या अरे क्या संबंध दिनों में पाई ना पाई संबंध दिनों सिंबल्स सिंबल्स जब हम जो है जब कोई मैथ ना हो फॉर एग्जांपल उस लास्ट को 2-3-4,000 or 5,000 साल पहले चले थे पत्थर है तो नेचुरल थे ठीक है यही तरीका है ओल्ड जो है वो काउंट करने ठीक है यदि एक भेद छोड़ी और एक पत्थर रख लिया छोटा था दूसरी भेद छोड़ी और पत्थर रख लिया सोवान सोफोर ठीक है तो फिर पता है कच्चे जितनी सुबह गई थी भेड़े तो फिर पत्थर मेरे पास और फिर जब वो शाम को वापस आती है ठीक है फिर क्या करता होगा पत्थर फेंकता होगा एक पेड़ को छोड़ता होगा दूसरा पत्थर फेंकता होगा इट्स लाइक देयर इज अ काइंड ऑफ अ वन वन करेस्पोंडेंस बिटवीन शफल एंड शीट्स एंड यू नो व्हाट इज कॉल्ड स्टोन सो दैट्स अ वन वन करेस्पोंडेंस दैट्स अ गुड वे टू नो द साइज ऑफ टू थिंग्स ये पता है मैंने कहा कि शीप्स के की तादाद के करेस्पोंडेंट मैंने जो है वो पत्थरों की तादाद ही है सो नो दैट इन दोनों का साइज आपस में बराबर है वापस आते हो तो एक आध पड़ गई तो खुश हो जाएगा ठीक है अगर कोई जो है कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि किसी के हत्थे चढ़ गई आर गेटिंग द पॉइंट सो दैट्स अ गुड वे टू कीप द करेस्पोंडेंस ऑफ इट ठीक है और यही जॉर्ज कैंटर ने सोचा था ठीक है यू नो साइजेस can be understood, you know, size compute करने के लिए हमेशा count करना जरूरी नहीं है, ठीक है? हमेशा count करना जरूरी नहीं है, ठीक है? आप नंबरों के अलावा भी sizes compute कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? You know, you can compare sizes without even numbers actually. Anyway, not getting into that sophistication, but it's a, you know, it was a तो द वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स ऑफ दिस के फिर बहुत सारे नतीजे भी थे ठीक है उस वक्त जो है वो नो वन अंडरस्टूड इज आर्गुमेंट ठीक है उसे पागल कहते थे जॉर्ज कैंटर को और लेकर इस इन इसकी ये बात के वन वन करस्पॉन्डेंस कैन बी ए गुड सोर्स टू नो द साइज ऑफ टू थिंग्स It makes sense when things are finite, but when they are infinite, it gives, you know, some very, you know, unintuitive kind of consequences. ठीक है? You know, लोग ये समझते थे कि infinite का मतलब infinite है. Infinite का मतलब infinite. Infinite infinity होता है. ठीक है? ये real numbers कितने हैं? Infinite हैं. Natural numbers कितने हैं? Infinite हैं. तो ये दोनों infinities बराबर. जो भी इन्फिनिटी हो
intuitively that's a, you know, it makes sense actually. ठीक है ये भी infinite है वो भी infinite है तो infinite infinity है. But he came up with a notion that some infinities can be bigger than others. Not all infinities are. This is something which is interesting. Anyway, so I would like to give some of consequences of one-one correspondence. Just to explain it, I'm pretty much sure that you know even a five-year child can understand one-one correspondence and he can realize actually you know, these some of interesting things. So my 10th के बच्चे बहुत आसानी से और बड़े बने समझते हैं. You don't feel that ये को बहुत मुश्किल चीज़ है. Anyway, so here is the thing. Imagine मेरे पास एक collection of boxes है. I would say that वो जो collection of boxes countable होगा, ठीक है? अगर मैं उनको count कर सकता हूँ through natural numbers, ठीक है? For example, मेरे पास stickers हैं, sticker number one भी है, sticker number two भी है, sticker number three भी है, four भी है, five भी है, so on. सारे stickers मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है? तो अगर मुझे boxes को count करना हो, तो मैं you know एक box पे कहीं ना कहीं से स्टार्ट करके मैं कहूँगा जैसे ये जो बॉक्स नंबर वन है स्टिकर लगा दिया, दूसरा बॉक्स उठाऊंगा मैं कहूँगा ये बॉक्स नंबर टू है स्टिकर लगा दिया. सो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है मेरे पास उतने ही बॉक्सेस हैं जितने मेरे पास स्टिकर्स हैं, ठीक है मेरे पास स्टिकर्स हैं. अरे गाने का पॉइंट सो हेयर द थिंग. सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ ये एक बॉक्सेस का कलेक्शन है और सवाल यह है कि क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूँ और काउंट कर सकने से क्या मुराद है, क्या मैं इन पर स्टिकर्स लगा सकता हूँ इन सच अ वे दैट यू नो हर बॉक्स के लिए एक स्टिकर और हर स्टिकर के लिए एक बॉक्स हो सकता है. मैं क्या कहूँगा ये चाहिए बॉक्स नंबर वन है इस पर स्टिकर वन लगा दूंगा, ये बॉक्स नंबर टू है, ये बॉक्स नंबर थ्री है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन आई नो दैट कि इन बॉक्सेस की जो तादाद है वो उतनी ही है जितने स्टिकर्स की तादाद यानी जितने नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है. और अगर मैं आपको नेचुरल नंबर दूं 10 मुझे पता है कि 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बॉक्स होगा, बॉक्स नंबर 10 होगा, ठीक है. यानी हर स्टिकर के लिए एक बॉक्स है और हर बॉक्स के लिए एक स्टिकर है, देयरफॉर देयर आर काइंड ऑफ वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन बॉक्सेस एंड There must be, you know, so these are countable. Now here is another pattern. Here is another pattern. For example, now next question: Can I count them? Can I count all these boxes? Why not? Why we are hasty actually in making so. यानी इस पर एक एतराज कर सकते हैं कि यार ये इससे डबल हो गया क्योंकि it's going one direction, it's going another direction. We have to be just clever enough to figure out a strategy, ठीक है, so that I can count all. ठीक है, for example, अगर मुझे sticker number one लगाना है तो मैं कहाँ लगाऊँ अगर count करना चाहता हूँ, कहाँ लगाऊँ उसमें, for example, बीच में लगाऊँ. Sticker number two कहाँ लगाऊँ, राइट साइड पर. तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें एक मसला है. अब ना तो ये बॉक्सेस खत्म होंगे ना स्टिकर्स खत्म होंगे, इसका मतलब ये है कि इन इन बॉक्सेस की बारी ही नहीं आएगी, नॉट काउंटिंग देम, इन बॉक्सेस की बारी ही नहीं आएगी. अब मैं क्या करूं, मैं ये चाहता हूं कि सब बॉक्सेस काउंट हो जाए. एंड देन देयर इज अ स्ट्रेटजी pretty simple strategy. Just think about it. One writer. Left side पे जा रहे थे, right side. क्या करूँ? For example, अगर मैं इस पर sticker number one लगाऊँ, तो यहाँ two लगा दो, minus four, three यहाँ. नहीं सर, यहाँ पर minus की निशानी दे रहे हैं. Four, for example. यहाँ पर five दे रहे हैं. And then five, and so. So it's like counting them simultaneously is going to make sense. और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इन बॉक्सेस की तादाद कितनी है, उतनी ही है कि जितने स्टिकर्स यानी जितने नेचुरल नंबर्स हैं. अरे ये दो अपेरेंटली दे लुक
double of size of this actually. Let's say double that. But still, I can count them. How about this if I have one? How about expert on that? Let me draw it here. How about I have this? Choti-choti si activities which you can do with them or phir choti-choti activities ke aap nataij dekhiye theek hai. Can I count all these? Yes sir. Kaise karunga? Beech mein mother sa 2 3 4 5. So you can have for example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on and so forth. So though they look, you know, यदि इसकी साइज से चार गुना ज्यादा है but still you can count. How about if I have something like this? Can I have something like this? Can I have something like this? कैसे करेंगे? हम बैठते हैं यानी गोल गोल घूमें, ठीक है? गो राउंड एंड राउंड स्पाइरल बनाएंगे, सर्कुलर स्पाइरल ना, इसमें कि यू हैव दिस एंड 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 दिस. So somehow ये कह रहे हैं कि अच्छा ये भी infinite number of boxes हैं, ये भी infinite number of boxes हैं, but इन boxes की तादाद एक जितनी, चाहे आपको ये लग डबल रहे, but तादाद एक जितनी, because there is one one correspondence between boxes and natural numbers, and similar is the case here. And I like this finally something जिस पर आप कभी try कीजिए और अभी मुझे बताइए. Imagine I have this kind of a system. Imagine. So you see, you can do very interesting things with सिंबल इस्तेमाल करता है, बाकी ये तो समझाओ कि इफ एंड ऑनली का मतलब क्या है, अजीब सी बात है, हाकू अकल की बात है, सिंबल इस्तेमाल करो, मतलब ना बताना है इसका, तभी
इतने अच्छे मैथमेटिशियन पैदा हुए स्कॉन में, जल्दी से what should be done so that and if you think that kid can't can think about it, but you are living in illusion, they are more clever than me. ऐसी ऐसी पजल गेम्स वो करते हैं सॉल्व के आपको परेशान कर देते हैं समझते हैं नहीं करेंगे निकालते हैं चीजें कम हो जाती मगर यहां कम नहीं हो रही saying that, you know, even numbers भी उतने ही होते हैं जितने natural numbers उतने ही हैं जितने that's a weirdo kind of a thing actually okay
हमारी फाइनाइटनेस वाली लॉजिक इट फेल्स फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर्स को काउंट करना चाहता हूं मेरा क्लेम ये है यानी अगर यहां याद ये कहता हूं सेट ऑफ इवन नंबर्स की कॉर्डिनलिटी जो है वो नेचुरल नंबर्स की कॉर्डिनलिटी के बराबर यानी इसकी कॉर्डिनलिटी भी इनफिनिट होगी इसकी कॉर्डिनलिटी भी इनफिनिट होगी मगर ये दोनों इनफिनिटीज आपस में बराबर हैं इंटीजर्स को काउंट